आप कहाँ से आए हो? मैं कर्नाटक से हूँ। तो कैसे पता चला कि यहाँ दवाई दी जाती है? मैं एक्चुअली कैन इंडिया डे पे एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे गो माता से बहुत प्रेम है, तो ऐसा पता चला यहाँ पे गौशाला पे ऐसा ट्रीटमेंट होता है। प्रॉब्लम क्या थी आपको? पापा जी का था। अच्छा, पापा जी का। देखने वाले सभी दर्शकों को मधु जागलान के राम राम। गाँव पाली में पहुंचे हैं, महेंद्रगढ़ जिला में ये उपस्थित है, तो बातचीत करते हैं। यहाँ दवाई दी जाती है कैंसर वगैरह की और शुगर वगैरह की, हर तरह की देसी दवाई दी जाती है, तो बात करते हैं। तो आप कहाँ से आए हो? मैं कर्नाटक से हूँ। तो कैसे पता चला कि यहाँ दवाई दी जाती है? मैं एक्चुअली कैन इंडिया डे पे एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे गो माता से बहुत प्रेम है, तो ऐसा पता चला यहाँ पे गौशाला पे ऐसा ट्रीटमेंट होता है। प्रॉब्लम क्या थी आपको? पापा जी का था। अच्छा, पापा जी का ये जटर होते हैं ना आमाशय पे, उधर पे कैंसर हुआ था लगभग 8 महीने पहले, तो यहाँ पे आके मैंने इलाज स्टार्ट किया। तो वहाँ डॉक्टर को नहीं दिखाया पहले? यहाँ आने से पहले मैं बेंगलोर हॉस्टल पे था, उधर दिखाया, उन्होंने मतलब पैकेज बताया, जैसे कि 6 लाख का एक हफ्ते के लिए ये पैकेज होता है, उस पर रेडिएशन होता है, उस पर कीमो होता है, उस पर ऑपरेशन भी करता है। तो हम लोग ने उधर से फिर चला गया वेल्लोर सीएमसी हॉस्पिटल, तो सीएमसी हॉस्पिटल पे भी सेम पैकेज बता, उधर 12 लाख का 2 महीने के पैकेज। तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको आते दवाई लेते दिन? लगभग 8 महीना हो गया। तो अब कुछ आराम है? अब इन्होंने बताया था 4 महीने के बाद आप लोग एक टेस्ट करवाइए, तो टेस्ट में बिल्कुल 4 महीने बिल्कुल नॉर्मल आ गया सर। आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक हो जाएगी यहाँ से? हाँ बिल्कुल ठीक, स्वस्थ है, मगर अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट टाइम आए तो पापा जी को लेके आए थे, तो यहाँ पे सारा मिलवाए थे, उन्होंने भी इंटरव्यू करवाया था, इंटरोगेशन करवाया था लोग। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आपको क्या दिक्कत है? मेरे हार्ट अटैक हुआ था, उसमें 2 स्टंट डले मेरे हार्ट में, तो अभी थोड़ा परेशानी हो रही है कि कभी सांस कटता है, कभी पसीने आते हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, बस ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। तो कहाँ से पता चला कि वहाँ? हिमाचल में हमारे रिलेटिव है, बेटी हमारी है, तो उन्होंने बताया था कि उनको आराम आ गया, वो ठीक है। बिल्कुल तो आराम, बिल्कुल आराम। उनको कितने दिन में आराम हो गया? उनको तो साल चला था उनका इलाज। अच्छा, हाँ तो ठीक है। आपको लगता है यहाँ आराम हो गया? हाँ, तभी आए कि हमें भी आराम आ जाएगा। तो नमस्कार। नमस्कार। तो आप किस चीज की दवाई लेने आई हैं? मैं तो डायबिटीज है, हार्ट की पेशेंट हूँ, और ये मेरे जो है बड़े भाई के समान मेरे मित्र हैं रामचंद्र शास्त्री जी, इनकी मिसिज को जो है ना कैंसर था, और वो लास्ट स्टेज पर था। इन्होंने कहीं से पता लगा किसी आश्रम से और से, और वो यहाँ आए 8-7 महीनों के बाद। आज वो जो चार पाई से बोल भी नहीं सकती थी, हिल भी नहीं सकती थी, डुल भी नहीं सकती थी, आज वो ये इनका बताना है कि आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसका इलाज यहाँ पूरा हो चुका है, और आज ये मतलब धन्यवाद करना है, और अपनी आखिरी कल जो है सार में इनकी रिपोर्ट हुई है, वो रिपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं। तो इनसे प्रभावित होकर मैं भी अपने भाई डायबिटीज है, मैं कंट्रोल नहीं रही 10-15 साल से, कितनी दवाई खा लो 200-250 तब भी रहती है। चलो भाई मैं भी देख के आता हूँ, और एक ऐसा प्राकृतिक इतना इन्वायरमेंट है, यहाँ पर गौशाला भी है, और ये 1500-1600 बिगे ज़मीन बताई यहाँ पर, और पुराना इन्वायरमेंट इसी प्रकार का देशी वातावरण जो आज से 50-100-200 साल पहले जो ग्रामीण वातावरण था, वो आज यहाँ पर यूँ का यूँ देखा जा सकता है। और ये राजीव दीक्षित जो एक बहुत वेल नोन है मतलब आयुर्वेद के, ये उसकी मतलब मार्गदर्शन का कह लो या उसके नीतियों के ऊपर हिसाब किताब से चल के दवाइयाँ दे रहे हैं, जो राजीव दीक्षित हमारे आयुर्वेद का बहुत ही आज भगवान इस धरती पर नहीं है उससे प्रेरणा लेकिन उसमें विश्वास है लोगों का, और हमारा भी विश्वास है, और यहाँ पर देसी गौ का सारा अवतरण साधे। बाकी ये बताएंगे कि हमारे साथी वो है या तो कर्नाटक से, ये देखो ये हमारा एक कर्नाटक कर्नाटक से भी आया हुआ है। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते भैया। तो कहाँ से पता चला जी आपको वहाँ दवाई मिलती है? मैंने जो इनके मित्र थे राजेश स्वरूप जी कमलकांत जी के, उन्होंने कहा मेरे को शास्त्री जी आप वहाँ चलो और आपकी धर्मपत्नी का इलाज वहाँ हो जाएगा। मैं होम्योपैथी के अंदर पूरी तरह लुट चुका था और टूट भी चुका था, क्योंकि दिल्ली बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के अंदर मैंने उसका ऑपरेशन कराया, ब्रेन ट्यूमर था, 4th स्टेज में था, उसके बाद फिर रेडिएशन कराया, वो कीमोथेरेपी वगैरह करवाई, सारा कुछ होने के बावजूद फिर उसका पैरालिसिस हो गया। अच्छा जी। 3-4 महीने मतलब 4 महीने तक ये प्रोसेस चला, जावा दाखिल कर लिए, 4 दिन दाखिल
रखें, उसके बाद फिर ठीक हो जाए आ जाओ, तो उसके बाद फिर हम थक करके नमा डॉक्टर साहब ये इलाज बताओ पूरा होगा कि नहीं होगा, मतलब गोल मोल बात करके फिर हमें जिंदली सार ले गए। जिंदली सार वाले कहने लगे जी जो ये इलाज चल रहा है ये 100% सही है, इससे अलग मारे पर भी कोई इलाज नहीं है कैंसर का। फिर मतलब महाराज जी की राजे स्वरूप जी की बात मान के मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारे को ट्रीट किया, बल्कि मैं मेरी धर्मपत्नी को तो यूं नहीं लिया साथ में, मैं कहा भाई लेके चलूँगा या ना बोल सकती ना चल सकती ना उठ सकती ना हिल सकती, उसने तो जब मतलब यूं लेट रही है तो लेटे रही है। तो जो आपकी पत्नी वो खुद आई थी आपके? ना ना आज लग भी नहीं आई। तो उसके बावजूद मैंने लिया करके ना वो कागज़ दिखा दिए, कागज़ देखने के बाद इन्होंने दवाई दे दी। मैंने पहले 15 दिन की दवाई ली, इन्होंने तो महीने की लिखी थी लेकिन उन्होंने 15 दिन की दवाई ली। 15 दिन की दवाई के अंदर 10 दिन के बाद उसका पैर हिलने लग गया। उसके बावजूद थोड़ा सा हौसला हो गया, फिर मैं 15 दिन की दवाई ख़त्म होते ही एतवार जो आया 1 महीने की ले गया, फिर 1 महीने की ले गया, फिर 1 महीने की ले गया। मतलब ये है भाई आज तक मेरे रुपये तो लग गए 46,000 और इलाज हो गया 100%। तो टोटल कितना टाइम हो गया आज तक का? मैंने 8 महीने हो गए भाई। 8 महीने में पूरा आराम है? पूरा आराम नहीं सही आराम है। सही होगी हाँ। फिर घुमाने तो लियानी थी मेरी ताई जड़ा तरह ऐसे है भैया, अब घुमाने तो लियानी थी तेरी ताई। ईब अपने घर आप भी घर गृहस्थी वाले हैं, देहाती परिवेश से रहने वाले हैं, पहली बात तो वह आय के नहीं इतनी राजी है। अब जिस तरह से कल उसको इशार ले गया था मैं, MRI कराई, सारे टेस्ट कराए, सारा दिन की मतलब इतनी तंग थी उठ भी नहीं सके थे, थकावट ज़्यादा हो रही थी। ले तो मैं उसको आता आज यहाँ भी, मेरा भी दिल करा था मैं वहाँ दिखाऊँ और ये जगह ये इस तरह का वातावरण है वह देख है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहा भाई जब उसमें सामर्थ्य नहीं है समझ गए ना, तो इस हाँ फिर देखांगे जी। क्योंकि मेरे को पिछली बार इन्होंने ये कहा था आपका इलाज हो गया जी पूरा, अगली बार आओ तो MRI करा के आना। मैं कल ही MRI करा के सारे टेस्ट करा लिया, 7 महीने तो MRI कही थी, मैं सारे टेस्ट करा कर आज देखने के दिखाने के लिए आ गया और सारे टेस्ट मेरे पास में है, नॉर्मल रिपोर्ट है सारी। और तो